हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेंद्र। आप सभी का हर रोज़ की तरह हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फोटोशॉप के अंदर ज्वाइंट फोटो होता है तो उसको कैसे सेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो चलिए मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप भी इस प्रकार से ओपन कर लीजिए। यदि आपके पास कोई शॉप है या कोई दुकान है तो आप अपनी दुकान पर फ़ोटो निकाल सकते हैं और काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो जो ज्वाइंट फोटो होता है उसको चलो मैं इसके अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ, आप भी इस प्रकार से लोड कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ज्वाइंट फोटो है, इसका बैकग्राउंड सबसे पहले हम हटाएंगे, ये वाला टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। जितना हमें कटिंग करना है उतना हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में ये धीरे धीरे इसको बैकग्राउंड को यानी कि इसको फोटो को अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में पूरा कंप्लीट कर लिया, एंटर दबा देना है। ठीक है, एंटर दबाने के बाद में डिलीट का ऑप्शन जैसे ही दबाएंगे ये बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कलर चेंज हो जाएगा। तो इस कलर को आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी अनुसार, कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने कर दिया, अभी फ़िलहाल क्रॉप करते हैं। तो क्रॉप के ऊपर आपको ये साइज़ देख लेना है। ठीक है, 1.2 और 1.5 इंच 300 रेजोल्यूशन है वो सेट करना है, उसके बाद में यहाँ पे क्रॉप करना है। जैसे ही क्रॉप करते हैं फ्रेंड्स, ये देखो एक साइड का आ रहा है तो इसको हम तिरछा करेंगे, तिरछा करेंगे तो दोनों फ़ोटो इसके अंदर आ जाएंगे, इस फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्रेम के अंदर फ़ोटो ला सकते हो और दोनों फ़ोटो सेट हो जाएंगे। जैसे ही सेट हो जाते हैं तो आप इंटर दबा दीजिए, ये सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में कंट्रोल ए दबाना है, सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे ऊपर एडिट लिखा है, एडिट के ऊपर स्टॉक के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक आप 5 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। स्टॉक क्या होता है फ्रेंड्स, बॉर्डर लाइन ब्लैक है वो थोड़ा सा आ जाता है इसके ऊपर, आप बॉर्डर लाइन कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में 4-6 की शीट हम नई न्यू पेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये 4-6 की न्यू शीट आ गई, इसके ऊपर हमें अलर्ट आल्ट प्लस जो माउस है उसकी की से यहाँ पे ड्रैग करके ले आएंगे इस फोटो को, उसके बाद में यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फोटो है, इसके अंदर आल्ट दबा के और माउस की से इसको साइड में लेके आएंगे, ड्रैग करेंगे तो दो फोटो बन गए। और इससे कॉपी आप कितने भी कर लीजिए फटाफट से। चलिए मैं आपको यहाँ पे 10 फोटो लगा के दिखा देता हूँ फटाफट से। और यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल वाला आइकन ज़रूर दबा लेना। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 8 और 10 फोटो बन चुके हैं। तो इस प्रकार से आप 10 फोटो निकाल सकते हो और कंट्रोल पी दबाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे देखो प्रिंटर का ऑप्शन आ गया और प्रॉपर्टी के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे यहाँ पे बेस्ट फोटो सेलेक्ट करना है और साइज जो पेपर है हमारा वो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 4-6 की शीट है, उसके बाद में ओके कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ भी फ्रेंड्स ओके कर देना है और फ्रेंड्स इसके बाद में यहाँ पर भी ओके कर देना है। जैसे ही ओके करते हो फ्रेंड्स, प्रिंटिंग के लिए हमारा फ़ोटो स्टार्ट हो चुका है। पेपर लगा दीजिए प्रिंटर में और उसके बाद में प्रिंटर के अंदर ये प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।